નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં પ્રથમ સત્રમાં પાઠ નવ આ પાઠ નું નામ છે ચંપા કાલે કાલે અછર નહી હતી આ પાઠ ના સ્વાધ્યાય નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયો ની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલ માં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂર થી કરો વિડિયો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ નવ ચંપા કાલે કાલે અછન નહીં ચિહ્હતી સ્વાધ્યાય તેમાં પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીએ ગયે વિકલ્પો મેં સે જોનકર લીખીએ પેલો પ્રશ્ન ચંપા આપને બાલમકો કહાં રખના ચાહતી હે જવાબમાં આવશે આપને સંગ સાથ મેં पूरा वाक्य में जवाब तो चंपा अपने बालम को अपने संग साथ में रखना चाहती है प्रश्न चंपा लेखक की कौन सी चीज़ छिपा लेती है? कलम चंपा लेखक की कलम छिपा देती है तीजो प्रश्न सब जन पढ़ना लिखना सीखे ऐसी इच्छा किसकी है गांधी जी की चौथो प्रश्न गांव के विवाहित युवक कलकत्ता क्यों जा, जाते है कमाने पूरा वाक्य जवाब तो गाँव के विवाहित युवक कलकत्ता कमाने जाते है पांचवा प्रश्न कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है पढ़ने के लिए प्रश्न नंबर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए पहला प्रश्न चंपा कवि के पास किस समय आती है जवाब चंपा कवि के पास उस समय आती है जब वे पढ़ने लिखने बैठते हैं बीजो प्रश्न चंपा चौपाइयों को लेकर क्या करने जाती है चंपा चौपा को लेकर उनकी चरवाही करने जाती है तीजो प्रश्न चंपा कहाँ पर ब्रज गिरने की बात करती है जवाब चंपा कलकत्ते पर ब्रज गिरने की बात करती है त्यारछी प्रश्न नंबर त्रन निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो उसने क्या जवाब दिया जवाब कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो चंपा बोले कि वह नहीं पढ़ेगी यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे बीचो प्रश्न चंपा कवि से ऐसा क्यों कहती है कि तुम पढ़कर झूठे हो जवाब कवि ने गांधी जी को अच्छा आदमी बताया था चंपा पढ़ाई लिखाई को अच्छा और जरूरी नहीं समझती उसके विचार से यदि गांधी जी यह सलाह देते तो वे अच्छे आदमी नहीं होते इसीलिए चंपा कवि से कहती है कि तुम झूठ बोलते हो त्रीजो प्रश्न चंपा के कागज गोदने के आरोप का कवि क्या जवाब देता है जवाब चंपा के कागज गोदने के आरोप का कवि कोई जवाब नहीं देते वे केवल हंस देते हैं। प्रश्न नंबर चार निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर पांच से छह पंक्तियों में लिखिए पहलो प्रश्न चंपा कैसे कैसे खत्म करती है जवाब चंपा नटखट लड़की है कभी कभी वह कवि की कलम छिपा देती है कभी जब जैसे तैसे कलम ढूंढ कर लाता है तो देखता है कि कागज गायब है बार और कलम कागज ढूंढने में कवि परेशान हो जाते इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह के उधम करती है बीजो प्रश्न काले अक्षर को देखकर चंपा को अचरज क्यों होता है जवाब चंपा अनपढ़ लड़की है वह अक्षरों को नहीं पहचान भी पहचानती वह तो उन्हें काले काले चिन्ह ही समझती है कभी पढ़ता है तो उसे लगता है लगता जैसे उन काले निशानों से स्वर निकल रहे हो वे बोल रहे हो उन स्वरों को सुनकर चंपा को बहुत अचरज होता है त्यार पी त्रीजो प्रश्न चंपा कलकत्ते बजर गिरे ऐसा क्यों कहती है जवाब कवि चंपा से कहते हैं कि विवाह होने के कुछ दिन बाद उसका पति कलकत्ता चला जाएगा तब बिना पढ़े लिखे वह उसे पत्र कैसे लिखेगी और उसके पत्र कैसे पढ़ पाएगी चंपा कहती है कि वह अपने पति को अपने साथ ही रखेगी वह उसे कलकत्ता जाने ही नहीं देंगी वह आवेश में आकर कहती है कि कलकत्ते व्रजपात हो जाए जिससे न वह शहर रहे और न उसका पति वहां जाने की बात सोचे चौथो प्रश्न छे गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे इस पंक्ति का भावार्थ समझाए गांधी जी जानते गांधी जी चाहते थे कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने देशवासी शिक्षा प्राप्त करेंगे थी उनका मानसिक विकास होगा वे स्वतंत्र का मूल्य और महत्व समझेंगे शिक्षा से लोगों को प्रगति के रास्ते मिलेंगे और देश पिछड़ेपन से मुक्त होगा इसीलिए देश के प्रत्येक जन को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए विद्यार्थी मित्रों अभी आपने ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી તેમાં કાવ્ય 9 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्ह આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયનો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ દસની અંદર ત્યાં સુધી આવજો